सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त हलीम यानी खिचड़ा बनाना बता रही हूँ। अगर आप इसे इस मेथड से एक बार बनाएंगी तो बार बार इसी मेथड से हलीम यानी खिचड़ा बनाना चाहेंगी। तो देखिए, इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून चावल ले रही हूँ, ये नए चावल हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने मसूर की दाल ली है, और 2 टेबलस्पून हम मूँग दाल लेंगे, और 2 टेबलस्पून मैंने माश की दाल यानी उड़द दाल ली है, और 3 टेबलस्पून मैंने चना दाल ली है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने इस वाले टेबलस्पून से ली हैं, और आधा ग्लास हमने बार्ली यानी जौ लिया है। ये जौ काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, हलीम में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, ये इस तरह से वाइट होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसे ज़रूर डालिए, इससे हलीम न्यूट्रिशियस भी बनेगा और डिलीशियस भी हो जाएगा। मैंने यहाँ 1 ग्लास गेहूँ लिए हैं, अगर गेहूँ आप छिलका निकाल कर डाल रही हैं तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी डाल सकती हैं यानी साबित भी डाल सकती हैं। देखिए, हम इन चारों को अलग करेंगे क्योंकि ये चारों जल्दी गलते हैं और ये तीनों देर लगाते हैं, इन्हें अलग गलाएँगे। ये चारों को मैं अलग गला लूँगी। ये देखिए, मैंने ये जो गेहूं है इसे रात भर भिगो कर रखा है, क्योंकि गेहूं गलने में काफ़ी वक्त लगाते हैं, इसीलिए मैंने इसे रात भर भिगो कर रखा था, और ये जौ को भी मैंने रात भर भिगो कर रखा है, और ये चना दाल है इसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखा। अब एक कुकर में आप ये भिगोए हुए गेहूँ डालिए, भिगोई हुई जौ डालिए और चना दाल डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें 4 ग्लास पानी डाल देंगे, और फिर आप इसमें हल्दी डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, और ढक्कन लगाकर हम इसे गला लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें गलाना है। देखिए, मैंने गैस पर रखा और फिर हम इसे गला लेंगे, बहुत नरम होने तक इसे गला लीजिए। अब मैंने एक बर्तन में मूंग दाल डाल दी, फिर उड़द दाल यानी माश की दाल डाली, और चावल डाल दिए, और फिर ये मसूर की दाल डाल दी। इन सभी को आप धो लीजिए। धोने के बाद एक कुकर में इन सभी चीज़ों को डालिए और 2 से 2.5 ग्लास पानी डालकर इसे भी आप अच्छी तरह से गला लीजिए। देखिए, इसे कुकर को गैस पर रखिए और अच्छी तरह से गलने तक पका लीजिए। अब एक कढ़ाई में 1.5 पाव तेल लीजिए और फिर उसमें 4 से 5 प्याज कट करके डालिए और इसे क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए, यानी क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो जब प्याज फ्राई हो जाएगी, आप इसे निकाल कर एक प्लेट में डाल दीजिए, रख दीजिए ताकि वो कुरकुरी ही रहे। इस तेल को हम हलीम बनाने में यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये जो दली यानी गेहूं और जौ हैं और चना दाल है, ये काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। देखिए, हाथों से भी बारीक हो रहे हैं, ये इतने सॉफ्ट गल चुके हैं। तो अब हम इसे पीसेंगे। पीसने के लिए हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे मोटा मोटा पीसेंगे। याद रखिए, इसे हमें बहुत सॉफ्ट नहीं पीसना है, इसे बस मोटा मोटा पीसना है, क्योंकि हलीम खिचड़ा मोटा मोटा ही रहता है। 1 टीस्पून हल्दी लीजिए और नमक लीजिए, यहाँ 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 टीस्पून, और 2 से 3 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया, और सूखे मसालों में हम लेंगे ये 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची है, और 4-5 कबाबचीनी है यानी नाकेसर है, और थोड़ा सा जायफल लिया, इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा हमको लेना है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, और ये थोड़ी सी जावित्री है यानी 1/2 इंच की, और 1 तेज़पत्ता है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, और 1.5 टीस्पून गरम मसाला। अब देखिए, मैंने ये जो खलबत्ता है इसमें 4 ये जो नाकेसर थे नाकेसर डाल दिए, और काली मिर्च डाली, जावित्री डाली, और इसको मैं पीस रही हूँ। साथ ही मैं जायफल को भी पीसूँगी, तो मैं इसे थोड़ा सा ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। आप थोड़ा सा टुकड़ा करके भी पीस सकती हैं। इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप पीस लीजिए। ये दही है 1.5 लीटर, और ये तली हुई प्याज है, कोथमीर ली है हमने, और ये 3 नींबू हैं, और इनका रस निकालेंगे, ये पुदीना है, और ये चीरी हुई हरी मिर्चें हैं, ये 7-8 चीरी हुई हरी मिर्चें ले लीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है, आप गोश्त की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकती हैं, और ये जो गोश्त है ये चिकनाई के साथ होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी हड्डी हो, ऐसी हड्डी हो जो चूरा ना हो तो लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, हमने ये तली हुई प्याज का तेल लिया है, इसी तेल में हमें हलीम यानी खिचड़ा बनाना है,
और अब देखिए मैंने एक भगोने को गैस पर रखा और फिर हम इसमें 2 बड़े चमचे यानी 4 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं, जो तली हुई प्याज का तेल था। फिर एक प्याज हमने इसमें डाली और साथ ही हमने एक तेज़पत्ता और बड़ी इलायची यानी एक बड़ी इलायची को तोड़कर इसमें डाला। और देखिए ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी चीरी हुई, इन सभी को आप एक साथ तेज़ आंच पर फ्राई कर लीजिए। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देंगे। इन सभी को हम तेज़ आंच पर फ्राई कर रहे हैं। और अब हमने इसमें हल्दी और लाल मिर्च ऐड कर देनी है। देखिए मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाल देनी है। इसको भी अब आंच कम करके थोड़ा सा फ्राई कीजिए। मैंने चिकन हरीज की भी बहुत अच्छी रेसिपी अपने चैनल पर दी है, लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए ये मैंने गोश्त डाल दिया, अब आंच को तेज़ करिए और तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से भूनिए। साइड से थोड़ा सा तेल निकलना चाहिए। अब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, देखिए साइड से थोड़ा सा तेल निकल रहा है, चट चट कर रहा है। अब मैंने धनिया पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून, ये सिंपल वाला प्लेन धनिया पाउडर है। और कोतमीर पुदीना यानी हरा धनिया और पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा तेज़ आंच पर पकाइए। और अब हमने इसमें दही डाल दिया, आप चाहें तो दही को थोड़ा सा फेंट कर डालेंगे, नहीं भी फेंटेंगे तो कैसा है, ये हम उसे कुकर में गला रहे हैं तो ये सब अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब देखिए ये जो मसाले पीसे थे हमने, ना केसर, कबाब छीनी और ये वो मैंने इसमें डाल दिए। अब कुकर में हमें इसे गलाना होगा। ये सारी चीज़ें आप कुकर में डाल दीजिए और डालकर ढक्कन लगा दीजिए और इसे यानी गोश्त को नरम होने तक आप इसे गला लीजिए। जब गोश्त नरम हो जाएगा तो कुकर खोल कर देखिए। अब इस गोश्त को हम ये हलीम यानी ये मिक्सचर में डाल देंगे, यानी जो गेहूं और दालों का जो पिसा हुआ मिक्सचर था, हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे। और साथ ही एक तली यानी एक मुट्ठी तली हुई प्याज को हाथ से चूरा करके डालेंगे, कोतमीर पुदीना डालेंगे और ये गरम मसाला डाल देंगे। यानी 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया, 1.5 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हिलाया और इसमें ऐड कर दिया। अब गैस ऑन कीजिए और तेज़ आंच पर हमें इस हलीम को पकाना है। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले नमक डाला था। और मैंने इसमें 3 नींबू का रस डाल दिया और कोतमीर पुदीना फिर से डालिए, क्योंकि इसमें जितना कोतमीर पुदीना रहेगा उतना अच्छा हलीम यानी खिचड़ा दिखेगा ये। और अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून असली घी डाल देना है, असली घी ज़रूर डालिए। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज का तेल ऐड कर देंगे। और आप इसे कम से कम आधे घंटे तक पकाइए, क्योंकि इसका पकाना बहुत ज़रूरी है। जितना पकेगा ये उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। और जब ये पक जाएगा तो हम ऊपर से कोतमीर पुदीना और 2 साबित हरी मिर्च और तली हुई प्याज डाल देंगे। तो ये हलीम तैयार है, आप इसे सर्व करें। देखिए सर्व करते वक्त ऊपर से तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए और फिर हमने ऊपर से कोतमीर पुदीना कटा हुआ डालना है, आप चाहें तो अदरक बारीक कटी हुई डाल सकती हैं और तली हुई प्याज डाल सकती हैं। इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त हलीम है, इसे ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए मैंने इस पर तले हुए काजू भी डाल देने हैं। तो इसे बनाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।